आरक्षण को लेकर तमाम बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं और एक चर्चा ये भी है कि 21 अगस्त को भारत बंद होगा और इसको लेकर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर ने अभी एक बैठक ली है। विभिन्न समाजों के जो गणमान्य लोग हैं उनको बुलाया गया है। हमारे साथ उदाराम जी हैं और सुरेश जाटोल जी हैं। कल का आरक्षण को लेकर जो मुद्दा है वो असल में हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे कि कल किस तरीके का जो कार्यक्रम है और कैसी लोगों से अपील भी की जाएगी। उदाराम जी, कल जो भारत बंद का सोशल मीडिया पर एक आह्वान है और SC ST वर्ग की ओर से जो है वो पुलिस और प्रशासन सहयोग मांगा गया है कि भाई हमें सहयोग करें, कल हमारा जो हम कार्यक्रम करेंगे, तो क्या सर कार्यक्रम है और किस तरीके से बात कर रहे हैं? देखिए, ये जो प्रदेश की जो सरकार है उसने भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि संवाद करके जो बंद समर्थक हैं और दूसरे भी जो 36 कौम के जो लोग हैं, सभी बिरादरी के लोग हैं, उन लोगों से आपस में एक मंच पर बिठा करके और इसका ऐसा समाधान निकाले जिससे कोई आपसी वहां पर उपद्रव नहीं हो, आपसी भाईचारा नहीं बिगड़े और लोगों को जिस प्रकार से इस प्रजातांत्रिक देश है इसमें उनको अगर कोई राजी नाराज़गी है तो उसको रखने का भी अधिकार है। और जिस प्रकार से बाड़मेर ज़िले के SP साहब और ज़िला कलेक्टर साहब ने जो जिस प्रकार से इस मंच पे बैठ करके और जिस प्रकार के 36 वर्ग के जो लोग थे उसमें सामान्य बाड़मेर के अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित लोग थे, उन सभी लोगों का पॉजिटिव और इस प्रकार एक मंच पे आना, आंदोलन हो तो उसमें सभी लोग सहयोग करें। और प्रशासन ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप 2 घंटे का कहते हो तो हम भी अपील करेंगे। ये पहली बार देखने को मिला, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि प्रशासन ने कहा आप बंद करिए। प्रशासन हमेशा कहता कि बंद मत करो, लेकिन इन्होंने कहा कि 2 घंटे का अगर सांकेतिक आपको है तो हम भी व्यापारियों से अपील करेंगे और सहयोग करेंगे। अगर प्रशासन इतना कह देगा तो 2 घंटे का बंद होने का कोई मतलब भी विरोधी नहीं करेगा। लेकिन जब प्रशासन ने, 36 कौम ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो आश्वस्त किया है उनको समय देना बहुत ज़रूरी है। देश के एक क्रांतिकारी लीडर और नगीना सांसद आदरणीय चंद्रशेखर जी ने भी सरकार को जो सितंबर में अपनी जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है कि मैं आंदोलन करूँगा, तब तक वो इसलिए समय दे रहे हैं कि बीच में संसद का सत्र बुला करके जो प्रधानमंत्री जी और उसके मंत्रिमंडल ने जिस प्रकार से देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के करोड़ों लोगों को आश्वस्त किया है तो उनको अवसर देने का मौका है, तो हम भी उन पर भरोसा रखते हैं। हमारे जो यहाँ के भाई है, अब अनुसूचित जाति और जनजाति का हम कॉमन शब्द बोलते हैं, अब उसमें जो बिखराव होना था तो इस फैसले से हो गया है, लेकिन ये हम उसको सुधारेंगे, सरकारें सुधारेगी। हमारे देश के जो प्रतिनिधि हैं 131 तो सांसद रिजर्व सीटों से हैं और भी कुछ होंगे, ये सभी लोग अपना हित अहित इस वर्ग की बात उठाएंगे। तो मेरा निवेदन यही है, जो जो लोग कल ज्ञापन देना चाहते हैं या 2 घंटे का बंद का भी जो करेंगे, उनसे सभी से अपील है कि किसी प्रकार का सामाजिक ताना बाना नहीं बिगड़े, हम डेमोक्रेसी तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन अंबेडकर सर्किल से लेकर के कलेक्ट्रेट के बीच वाले इस रास्ता सीधा है और यहाँ से आकर के कलेक्टर साहब को चाहे वो राष्ट्रपति के नाम से देना चाहे चाहे प्रधानमंत्री के जो भी वो संगठन है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि ये संगठन किस पे है, लेकिन कोई बात नहीं, जो हमारे बंधु दे रहे हैं हम उसका विरोध नहीं करते, उनसे भी अपील कर रहे हैं। और मैंने सर्व समाज के जो जिसके प्रतिष्ठान हैं उनसे भी निवेदन किया कि अगर 2 घंटे के लिए ये कुछ करना चाहें तो आप भी बड़ा दिल रख करके उस बंद में या जो अपने प्रतिष्ठान 2 घंटे के लिए बंद रख करके आपसी एक दूसरे का सहयोग करें। उदाराम जी, मेघवाल का इस क्षेत्र में अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि सिर्फ SC ST वर्ग ही नहीं बल्कि हर वर्ग, हर समाज के लोग आपकी बात मानते हैं, आपकी बात रखते हैं, आपको सीनियर मानते हैं। क्या सर आप अपील करना चाहेंगे लोगों से कल के कार्यक्रम को लेकर, SC ST समाज से भी और दूसरे समाजों से? मैंने तो पहले ही निवेदन किया नहीं, वहाँ सबके सामने कहा कि हमारे प्रतिष्ठान नहीं है, जो सामान्य उद्योगपति है जिसके व्यवसायिक जो है प्रतिष्ठान हैं वो अगर हमारे लोग अगर आपसे निवेदन करें तो आप दो
घंटे के लिए बड़ा दिल करके बंद रखे। हालांकि हमारे लोगों से भी हमने ये अपील की है कि आप मेहरबानी करके जो कलेक्टर साहब और एसपी साहब और ये तमाम वर्गों के लोग निवेदन कर रहे हैं तो इसको ज्ञापन तक सीमित रखें। फिर भी कोई अगर नहीं चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि युवा आगे आएँ, लेकिन आगे आएँ तो युवाओं पर कोई आँच भी नहीं आए इस बार बात की चिंता है। इसलिए मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि बंद वाला निर्णय पर पुनर्विचार करें और ज्ञापन अपना अच्छी तरीके से जो अपनी भावना है वो प्रशासन लेने को तैयार है। प्रशासन हर तरह से सहयोग करता है तो प्रशासन की भी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ सुरेश जाटोल जी हैं। सुरेश जी, अभी तमाम लोगों से बातचीत हुई, उदाराम जी से बात की, क्या सर युवा वर्ग से आप कहना चाहेंगे, आप एक युवा नेता होने के? हमारा तो यही निवेदन रहेगा कि कल जो बंद की जो घोषणा हो रही है 2 घंटे के लिए, युवा सभी धैर्य रखें शांतिपूर्ण तरीके से, और जो बंद कर रहे हैं अंबेडकर सर्किल से, एक वहाँ पास में मॉक्स धाम है, वहाँ छोटी सी सभा होगी, वहाँ से सीधा कलेक्ट्रेट आएंगे और ज्ञापन दें और अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करें। और जो हमारे हर समय SC ST समाज के हर आंदोलन में जिनकी उदाराम जी है, लक्ष्मण जी है, जिनकी हमेशा अहम भूमिका रही है, इनके मार्गदर्शन में चले रही है हमेशा ही। हाँ, तो है ना, इनके मार्गदर्शन में चले और जो जैसा ही सीनियर लोग के वैसा चले, और किसी प्रकार का आप अपने हाथों में कोई मतलब इनके विरोध नहीं करें, सभी शांतिपूर्ण तरीके से रहें और शांतिपूर्ण तरीके से इसको बंद को सफल बनाएं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप देखिए कि कल जो भारत बंद को लेकर तमाम प्रकार की बातें, और बहुत ही अच्छी बात उदाराम जी और सुरेश जाटोल जी ने, जिला प्रशासन के अधिकारियों से मैंने बात की, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से भी बातचीत की, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे हमारी ओर से भी एक अपील है कि कल का जो कार्यक्रम है, इनकी जो भावना है, इनकी बात है, हर वर्ग की एक अपनी बात रखने का अधिकार होता है, तो सब सम्मान करते हुए सहयोग करें और सब मिलजुल करके जो है इस बंद का जो उनका कार्यक्रम है उनमें भी साथ दें और सभी लोग आपसी भाईचारा कायम रखें। धन्यवाद।